मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज़ पे ज़रा फोकस कीजिएगा। आज मैं यहाँ पे मोतीकुंड में हूँ। यहाँ पे एक यात्रा आई थी, बस में आए थे वो लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। वो यहाँ पे आके जब उन्होंने देखा मोतीकुंड तो वो सभी हंसने लगे। यहाँ पे मुझे एक जो महाराज जी बाहर बैठे थे, यहीं पर बैठे थे वो, उन्होंने मुझे अंदर आके बताया कि मैं ब्रज लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ब्रज भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि लाला ये लोग तो मोतीकुंड को देखकर हंसने लगे कि ये मोतीकुंड है, मतलब इस वे में वो बोलने लगे ये मोतीकुंड है। कुंड तो उस तरीके से होते हैं, लाइक उन्होंने दो तीन एग्जांपल दिए कि वो आशीश्वर है और भी कुंडों के उन्होंने नाम लिए। तब यहाँ पे जो जिनको उन्होंने बोला था ये बात, तो उन्होंने बोला, उनको एक उत्तर दिया कि इस कार्य की, मोतीकुंड के कार्य की शुरुआत हो चुकी है और हम मोतीकुंड के कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और आप कुछ समय बाद आएंगे तो ये कार्य आपको यहाँ पे मोतीकुंड का जो है वो शुरुआत आपको होती भी मिलेगी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी हिंदुत्व है, हमारा जो धर्म है, मेरा फोकस केवल उनको लेकर है कि जितने ऐसे स्थान हैं ठाकुर जी के और अन्य स्थान भी हैं किसी भी देवी देवता के, मेरा फोकस है उनको उजागर करना, मेरा ये लक्ष्य है। मुझे नहीं पता मैं आगे कितना कर पाऊँगा, वो सब आप ही के सहयोग से होगा, लेकिन शुरुआत मैं भगवान कृष्ण के मोतीकुंड से कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रज धाम में और जिस स्थान पर मैं आया हूं, इस स्थान के बारे में अगर मैं ना भी बताऊं तो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको पता होगा मैं कहां पर हूं। वो बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है भगवान कृष्ण का मोतीकुंड। आप में से काफ़ी लोगों से मैंने कहा था जब मैं लाइव आया था और वीडियो के द्वारा भी मैंने एक बार कहा था आपसे कि मैं बहुत जल्द मोतीकुंड के कार्य की शुरुआत करने वाला हूं, लेकिन वो शुरुआत में काफ़ी डिले हो गया। उसका रीज़न आप सभी को पता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की सिचुएशन जो सब ने फेस की, हम सब ने, तो उसके, जिसे कहते हैं, उसके दौरान हम इस कार्य की शुरुआत नहीं कर पाए थे। और अब जाके, अब जिसे कहते हैं, पूरी तरीके से मेरा फोकस है मोतीकुंड के कार्य पे। और अभी इसलिए वीडियो भी डिले हो रहे हैं सारे, क्योंकि वीडियोस मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे स्थानों के वीडियोस हैं, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है उनको, और मैं अभी ना ही मैं उन पर फोकस कर पा रहा हूँ। मेरा अभी टोटल अभी सिर्फ मेरा फोकस है मोतीकुंड के कार्य, इसके लिए इतना डिले हुआ। सबसे पहले उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे कि इतना डिले ये कार्य शुरू हुआ। तो आप सबसे मैं इतना कहूँगा कि भगवान कृष्ण के जो इस कार्य के लिए मैंने आपसे बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी मोतीकुंड की, जो आपने सबसे पहले देखी भी थी, मेरी मोतीकुंड की फर्स्ट वीडियो थी मेरी वो। उस पे जब मैं यहाँ पे आया था मोतीकुंड में, तब मुझे यहाँ पे आके जब मैं एंटर हुआ यहाँ पे, तो मैंने जब ये कुंड देखा तो मुझे काफ़ी बुरा लगा उस टाइम पर देख कर, कि मुझे नहीं पता था कि पहले ये कुंड कौन सा कुंड है, मुझे यहाँ पे आके पता चला कि ये मोतीकुंड है। उसके बाद काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट ये आई उस वीडियो में, कमेंट्स आए काफ़ी लोगों के कि आपने मोतीकुंड के दर्शन करवाए हमको, लेकिन आपने उन वृक्षों के दर्शन नहीं कराए जिसमें मोती उगते हैं। तो सेकंड वीडियो थी मेरी जो मैंने आपको यहाँ पे वृक्षों के दर्शन कराए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वही स्थान है, यहाँ पे वृक्ष इस तरफ भी है और यहाँ से बैक साइड में भी वृक्ष हैं मोतियों के। उसके बाद मैं जब यहाँ पे अंदर मंदिर में गया तो यहाँ पे एक महाराज जी थे, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर संभव हो सकता है तो आप इस कार्य की शुरुआत कराइए, मोतीकुंड का निर्माण कराइए। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि ये कार्य की शुरुआत मैं करा पाऊँगा, क्योंकि मैं रियलिटी बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि मैं ठाकुर जी की इतनी बड़ी सेवा मैं कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने आप सभी से पूछा कि क्या आप भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आप इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया मोतीकुंड की, जब मैंने वीडियो अपलोड की थी पहले, उन वीडियो में भी मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वोट किया था कि वो मोतीकुंड के कार्य के लिए शुरुआत करेंगे। और मैं आपको सबको बता दूं, इतना समय इस वजह से लग गया मुझे इस कार्य की शुरुआत करने में। एक तो लॉकडाउन, जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना की सिचुएशन के दौरान हम कहीं नहीं जा पाते थे और घर में थे सब लोग और लॉकडाउन था हर जगह। तो लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन खुला उसके बाद मेरा सीधा फोकस था कि मैं मोतीकुंड की शुरुआत करूं। तो इसके लिए सबसे मैंने आप सबसे कहा था, आपने लाइव सेशन में, अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन जो मैंने अपना लाइव सेशन किया था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं बहुत जल्द अपनी खुद की ट्रस्ट खोलने वाला हूँ, यानी कि उस ट्रस्ट के द्वारा हम मोतीकुंड के कार्य में शुरुआत करेंगे। अभी मैं इस मोतीकुंड की जो, जिसे कहते हैं, स्थिति है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा पास से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता दूं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं आपको बता भी दूं, जो भगवान कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जो ट्रस्ट हमारी खुली है, उस ट्रस्ट का नाम है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। ये गवर्नमेंट से हमें रजिस्ट्रेशन भी मिल गया है,
इस ट्रस्ट को लेकर, और पूरी तरीके से अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस कार्य के लिए। और मैं आपको सबको बता दूं, आप लोग अपना सहयोग अब खुल के कर सकते हो। पहले काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते थे कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तो मैं आप सबको बता दूं, उस टाइम पर अकाउंट नंबर मैं आपको दे नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरा पर्सनल अकाउंट था, वो मैं शेयर नहीं कर सकता था, और उस पर मैं नहीं चाहता था कि मैं आपकी श्रद्धा जो है, जो भी आप देना चाहते हो, उसका जिसे कहते हैं डायरेक्ट उपयोग हम कार्य में लगा सके। तो इसलिए इतना मैंने टाइम लिया उस चीज़ के लिए, सबसे पहले माफ़ कीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लिया मैंने। ऑलमोस्ट मुझे एक साल से ज़्यादा ही हो गया होगा इस कार्य से, मैं जब आपके साथ मैंने बोली थी, एक या डेढ़ साल हो गया होगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अब अपना सहयोग करना चाहते हैं भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के लिए, इस ब्रज मंडल के लिए, ब्रज धाम के लिए, तो मैं आप सबसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल खोल के सहयोग कीजिएगा। आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हो, अगर आप किसी भी रूप में, अगर आप यहाँ पे हमारे साथ कार्य में जुड़ना चाहते हो, कार्य में आना चाहते हो, तो भी आप आ सकते हो। और अगर आप जिसे कहते हैं किसी भी रूप में छोटी धनराशि है, चाहे कितनी भी धनराशि है, आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये है हमारी ट्रस्ट का अकाउंट नंबर। आप इस अकाउंट नंबर पे जो भी आप जितना भी पे करना चाहते हैं, आपकी जितनी भी श्रद्धा है, आप ज़रूर पे कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है, अगर आपकी एक रुपया भी क्षमता है तो आप एक रुपया भी आप हमें दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के इस ब्रजमंडल के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने अपने सारे काम रोके हुए हैं, जो मैं काम करता हूँ, मैंने अपने सारे काम रोके हुए हैं, मैंने अपनी वीडियोस रोकी हुई है। मेरे चैनल पे आपको दिख रहा होगा, कई टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं लग रहा है वीडियो डालने का, एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है। मेरा पूरा फोकस भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए है। इसके लिए मैंने इतनी जैसे कहते हैं कोशिशें की हैं, इतनी जगहों में गया हूँ, तब जाके जिसे कहते हैं मैं बता नहीं सकता आपको कितनी मैंने मेहनत करी है ट्रस्ट खोलने में। तो आप सबसे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अकाउंट नंबर, इस पे अपनी जितनी भी धनराशि आप देना चाहते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, आप ज़रूर दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद आए यहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा दे, आपको मैं पहले पास से दिखाऊं भगवान कृष्ण का मोतीकुंड। ये है वो मोतीकुंड, नीचे आप देखोगे यहाँ अभी प्रॉपर तरीके से कुछ भी निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ पे जो महंत जी हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे बड़े से बड़े गवर्नमेंट के हैं, वो आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन किसी का फोकस नहीं होता है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे महंत जी ने एक बात बोली थी, बहुत प्यारी सी बात बोली थी, कि मोहित जी, भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को, ये श्री गणेश आप ही के हाथों से कराना था, इसीलिए उन्होंने किसी को इस कार्य में नहीं जोड़ा अब तक। नहीं तो कितने कुंडों का ब्रिज में निर्माण हो चुका है, लेकिन मोती कुंड ही क्यों छूटा है अब तक। तो महाराज जी ने बस मुझे यही बोला कि वो श्री गणेश आप ही के हाथों से कराना चाहते हैं। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली ये चीज़ सुनकर कि भगवान की इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी कृपा, कह लो कुछ भी कह लो आप, कि मुझे ये भगवान की कृपा से ये सेवा मिली है। और इस सेवा में, इस आनंद में, ठाकुर जी के इस प्रेम में, मैं आपको भी जिसे कहते हैं भागीदारी बनाना चाहता हूँ, आपको भी वो सौभाग्य देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा जो मुझ पर हुई है, वो कृपा मैं आपको भी बांटना चाहता हूँ। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस रूप में भी आप मदद करना चाहते हैं, आइए यहाँ पे, स्वयं आइए भगवान कृष्ण के इस कार्य में मदद कीजिए। हम सभी मिलके, मैं ये नहीं कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आज भी ये कहता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये कहा था, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता किसी भी कार्य के लिए, ये नहीं खाली मोतीकुंड के लिए, मैं किसी भी कार्य के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सब मिलके भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए शुरुआत करते हैं। मैंने आप सबसे कहा था कि मैं बहुत जल्द शुरुआत करूंगा, और वो टाइम अब आ गया है। और आप मेरे पीछे देखोगे, ये वही स्थान है, देख रहे हो आप, जो आपको मैंने पहले दिखाया था। कंडीशन इसकी वही है जो पहले मैंने आपको दिखाई थी, जल भरा उसी बेसिस पे है, जितना जो बारिश का आता है यहाँ पे जमा होता है बारिश का पानी, उसी हिसाब से जल भरा हुआ है। आचमन वगैरह अभी नहीं लेते हैं लोग यहाँ पे, स्नान आदि भी नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम इस रूप से बना पाएँ कि यहाँ पे सब आए, स्नान करें, आचमन लें, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको मोतीकुंड के बारे में पता चले। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज़ पर ज़रा फोकस कीजिएगा। आज मैं यहाँ पर मोतीकुंड में हूँ, यहाँ पर एक यात्रा आई थी, बस में आए थे वो लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, वो यहाँ पर आके जब उन्होंने देखा मोतीकुंड, तो वो सभी हंसने लगे। यहाँ पे मुझे एक जो महाराज जी बाहर बैठे थे, यहीं पर बैठे थे वो, उन्होंने मुझे अंदर आके बताया कि मैं ब्रज लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ब्रज भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि लाला, ये लोग तो मोतीकुंड को देखकर हंसने लगे कि ये मोतीकुंड है,
मतलब इस वे में वो बोलने लगी, ये मोती कुंड है, कुंड तो उस तरीके से होते हैं, लाइक उन्होंने दो तीन एग्जांपल दिए कि वो आशीश्वर है और भी कुंडों के उन्होंने नाम लिए। तब यहाँ पे जो जिनको उन्होंने बोला था ये बात, तो उन्होंने बोला, उनको एक उत्तर दिया कि इस कार्य की, मोती कुंड के कार्य की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ की ट्रस्ट बन चुकी है बकायदा, और हम मोती कुंड के कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, और आप कुछ समय बाद आएंगे तो ये कार्य आपको यहाँ पे मोती कुंड का जो है वो शुरुआत आपको होती भी मिलेगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने उनको रिप्लाई दिया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी हिंदुत्व है, हमारा जो धर्म है, मेरा फोकस केवल उनको लेकर है कि जितने ऐसे स्थान हैं ठाकुर जी के और अन्य स्थान भी हैं किसी भी देवी देवता के, मेरा फोकस है उनको उजागर करना, मेरा ये लक्ष्य है। मुझे नहीं पता मैं आगे कितना कर पाऊँगा, वो सब आप ही के सहयोग से होगा, लेकिन शुरुआत मैं भगवान कृष्ण के मोतीकुंड से कर रहा हूँ। मैं आप सबसे आज भी ये कहूँगा कि भगवान कृष्ण के मोतीकुंड से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और ये शुरुआत मेरी ठाकुर जी मुझे हिम्मत दे, राधा रानी मुझे हिम्मत दे, ये रुकेगी नहीं शुरुआत। और शुरू मैंने कर दिया है, संग मुझे आप लोगों का चाहिए। मैंने आप सबसे कह दिया है कि भगवान कृष्ण की मोतीकुंड के कार्य की शुरुआत हो चुकी है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा समय वेट कीजिए, थोड़ी सी कुछ दिनों का वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द मोतीकुंड के कार्य की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो टाइम अब आ गया है। अगेन मैं आपको बता दूँ, भगवान कृष्ण के मोतीकुंड की जो हमने ट्रस्ट खोली है, उस ट्रस्ट का नाम है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रस्ट का नाम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग जो भी डोनेशन देना चाहते हो इस कार्य के लिए आप दीजिए, जितना भी आप देंगे, चाहे कितना भी आपसे क्षमता होती है, एक रुपये से लेके आप कितना भी देना चाहें, आपकी जितनी भी आपकी श्रद्धा है आप दीजिए, जितना भी आप डोनेशन देना चाहते हैं। अब मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाऊं मोतीकुंड की सिचुएशन, उसके बाद मैं आपको चरण पे भी दर्शन कराऊंगा, देन जो यहाँ पे मोतियों के वृक्ष हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं, पहले मोतीकुंड के आपको मैं पास से दर्शन कराऊं, और यहाँ का जब मैं आता हूँ ना मोतीकुंड में, जो ब्रजमंडल का आनंद है वो आप सामने से एक बार लीजिए, उसके बाद आपको एहसास होगा वो किस बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाऊँ, ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ये नीचे, और ये है कुआँ। ये कुआँ अब इनका यूज़ नहीं होता है, इनमें पानी भी, एक वो कुआँ है वो भी अब टूट गया है मतलब कि, और ये भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो कुंड है आप देख रहे हो ये है मोती कुंड। ये है मोतियों के वृक्ष, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले, और ये भी मोतियों के वृक्ष है। और आप ये देख रहे हो पीछे, ये भी मोतियों के वृक्ष है, लेकिन इस टाइम पर अभी मोती नहीं होंगे इसमें, और अगर होंगे तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की मोती। और एक चीज़ है, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, जो यहाँ पे चरणों के दर्शन होते हैं आपको, तो इसी में, इसी स्थान में ही यहाँ पे आपको बैक साइड में थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक एक कुंड और दिखता है,
मैं आपको बता दूं, ये भी मोती कुंड में ही आता है, लेकिन इसमें से बीच में एक पार्टीशन कर दिया गया है, यानी कि बीच में एक रास्ता बना दिया गया है। वो रास्ता भी आपको मैं अभी आगे से दिखाऊंगा। ये भी कुंड में आता है, मोती कुंड में, लेकिन मुझे महाराज जी ने बताया था कि इस कुंड का भी साथ में अगर हम निर्माण करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लागत आएगी, जो कि वो शायद हम लोग उस चीज़ को कवर ना कर पाएँ। लेकिन महाराज जी ने मुझे बताया है कि आप और हम सब मिलके इस छोटे वाले कुंड की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आप ही पीछे देख रहे हो, ये बीच में जो रास्ता दिख रहा है, अगर आपको, आई होप कि आप देख पा रहे हो रास्ता, एक ये बीच में पार्टीशन कर दिया गया है जाने के लिए, मतलब रास्ता बना दिया गया है। नहीं तो ये पूरा उस कॉर्नर से जो आपको वो दिख रही है, आपको मैं आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक पार्टीशन है, तो यह मंदिर जो है, मंदिर मेरे बैक साइड है, आप देख सकते हो उधर, और ये वही कुंड है मोती कुंड का, लेकिन एक बीच में पार्टीशन कर दिया गया है, यहाँ पे सड़क बना दी गई है, मतलब एक रास्ता बना दिया गया है, कच्चा रास्ता। और ये जो कुंड देख रहे हो आप, ये भी कहा जाता है कि मोती कुंड में ही आता है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ, अगर यहाँ की जो मिट्टी है ब्रिज की, मैं आपको बताऊँ, ऐसे बिल्कुल इतनी प्यारी मिट्टी है कि एक कांटा बिल्कुल पैर में नहीं लग रहा है। और हालांकि यहाँ पे ऐसे पत्ते वो पड़े हुए हैं डंडियाँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं वो पैर में लग रही है। आप ये देखोगे, ये भी मोती कुंड में ही आता है। और ये जितनी आप ये सामने जो सड़िए देख रहे हो रास्ता, ये जो रास्ता है, यहाँ तक ये पूरी मोती कुंड की ही भूमि है। अगर हम चाहें, इतना सहयोग अगर आए मोती कुंड के लिए, तो हम इसका भी निर्माण, इसको भी करवा सकते हैं निर्माण। आपको मैं चारों तरफ अगर दिखा दूँ, ये तो मोती कुंड का स्थान है, और ये वही कुंड है, ये छोटा कुंड है और ये बड़ा कुंड है, लेकिन इसको मर्ज कर सकते हैं हम साथ में। हम इसको, जिसे कहते हैं, मर्ज कर सकते हैं साथ में दोनों कुंडों को, लेकिन उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा बताई मुझे महाराज जी ने। वो शायद हम उतना ना कर पाएँ, वो एक बड़ा टारगेट है, उसको हम शायद ना कवर कर पाएँ, क्योंकि महाराज जी ने बताया कम से कम 2 या 2 से 2.5 या 3 करोड़ तक की लागत आएगी इस कुंड का निर्माण के लिए। तो उतना हम शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा तो हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारा, जैसे कहते हैं, मेन फोकस है, वो मोती कुंड, इस वाले कुंड के लिए है। और जब मैं मंदिर में पहली बार आया था यहाँ पे दर्शन करने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है, तो मेरी जो नज़र पड़ी थी वो इसी कुंड में पड़ी थी यहाँ पे मंदिर में आने के बाद। हालांकि जब मैं बाय रोड आया था, तो मुझे पहले ये देखने को मिला, तब मैंने पूछा भी था, मेरे साथ थे उस टाइम पर कान्हा जी, जैसे कि आपने वीडियो में, आई होप कि आपने देखे होंगे फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने उनसे पूछा था कि मोती कुंड ये है या फिर आगे है, तो उन्होंने मुझे बताया था नहीं आगे है, लेकिन मुझे लगा था कि ये वाला कुंड है। बट जब मैं मंदिर में आया, मंदिर में जैसे आप यहाँ से आते हो, इस तरफ से आते हो, तो आने के बाद मेरी जो नज़र पड़ी, सबसे पहले मेरी इसी कुंड में पड़ी, तब मुझे थोड़ा बुरा लगा वो चीज़ देख कर, कि मंदिर का निर्माण तो ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जो कुंड का निर्माण है वो नहीं हो पाया है। यही रास्ता है, जब आप मोती कुंड के लिए अंदर आते हो, वहाँ से आप आते हो सड़क से, फिर वहाँ से एक अंदर राइट के लिए कट आता है, राइट से कट होते ही आप यहाँ पे अंदर मंदिर में आते हो, और यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले कुंड के दर्शन होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, आपको मैंने बता दिया कि भगवान कृष्ण की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, ट्रस्ट हमारी बन चुकी है। आप लोग, जिसे कहते हैं, निसंदेह होकर डोनेशन कर सकते हो, जितना भी आप डोनेशन करना चाहते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कीजिए भगवान कृष्ण के कार्य के लिए, मोती कुंड के कार्य के लिए। और अगर आप लोग अपना खुद का सहयोग देना चाहते हैं, खुद आप विज़िट करना चाहते हैं हमारे साथ यहाँ पे इस कार्य में, तो आप लोग आइए। और बहुत जल्द हो सकेगा तो मैं आप लोगों से मीटअप भी करूँगा, और वो मीटअप आपको यहीं पर ही होगा, आप सबके साथ मेरा मोती कुंड में। भगवान कृष्ण की अगर कृपा हुई तो बहुत जल्द वो मीटअप भी जल्दी होगा, जब इसकी शुरुआत होगी, और भगवान कृष्ण के कार्य का, इस मोती कुंड के कार्य का जब श्री गणेश होगा, तो मैं आप सबको वो दिन, वो डेट, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, वो टाइमिंग। तब आप लोग यहाँ पे आइएगा, तब मैं आप सबके साथ मीटअप करूँगा, आप लोग मुझसे यहाँ पे भी मिल सकते हो, और फिर मैं आप सबसे मिलूँगा, एंड देन फिर हम आगे की और शुरुआत करेंगे। मेरा, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मेरे 2 फोकस हैं अभी फ़िलहाल, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का मोती कुंड, इसका निर्माण मुझे कराना है पूरी तरीके से। ठाकुर जी अपना, जिसे कहते हैं, आशीर्वाद, राधा रानी की जो है कृपा अगर हो, तो मैं पहले मोती कुंड का कार्य, एंड देन जो मैंने आप सबसे कहा था
दो मिलवन भगवान कृष्ण का जो मिलन स्थल था राधा रानी के साथ में, वहाँ पे जो साधु संत रहते हैं, जो वहाँ पे महाराज जी रहते हैं, वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी हाल में वहाँ पे क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लाइट आ गई है या पानी आ गया मुझे अभी वहाँ पे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैंने वो वीडियो 2019 में बनाई थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, और अभी मुझे करंट की सिचुएशन नहीं पता वहाँ की। लेकिन मेरा वहाँ पर अब भी फोकस है, मैं वहाँ पर भी अपनी सेवा, आप सबकी सेवा देना चाहता हूँ। हम लोग वहाँ पर शुरुआत करेंगे। देन उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि भगवान कृष्ण का जो माट बिलो है, जो 7 मटके थे उनमें से अब 1 ही मटका रह गया है, उसकी भी जो देखभाल है, उसका भी जो रख रखाव है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाया है। उसको लिए भी अगर आप लोग अपना सहयोग करेंगे तो उसकी भी शुरुआत मैं करूँगा बहुत जल्द। लेकिन सबसे पहले कर रहे भगवान कृष्ण का मोतीकुंड। और मैं आप सबसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ उस टाइम पर, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों तक मैसेज जाए, और उनको भी ये बोलना कि वो भी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। और हर एक व्यक्ति अगर अपनी तरफ से कुछ भी डोनेशन करेगा तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए। एक एक जिसे कहते हैं एक एक व्यक्ति का इस समय हमें साथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं अभी हाथ नहीं जोड़ सकता आपके आगे, क्योंकि एक हाथ में मेरे पास कैमरा है, दूसरे हाथ में मेरे पास लेंस है, तो मैं हाथ नहीं जोड़ सकता इस टाइम पर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जहाँ पर भी आप शेयर कर रहे हैं उन सबसे ये कहिएगा कि वो भी आगे शेयर करें। और एक एक शेयर, एक एक पर्सन का शेयर बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर हम सब के लिए, इस कार्य के लिए, भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए। मैं आप सबको यही कहूँगा कि हमारा सबका जीवन धन्य हो जाएगा अगर हम 1% भी अपना इस कार्य में लगा पाएंगे भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के। तो आप सबसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप लोग अपना सहयोग करेंगे भगवान कृष्ण के इस ब्रज मंडल में, इस ब्रज भूमि में, मैं इस टाइम पर ब्रज भूमि में खड़ा हूँ, इसका आनंद आप लोग भी ज़रूर लीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हो, विज़िट करना चाहते हो, तो ज़रूर आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए। लेकिन आप सबसे मैं एक चीज़ ये कह दूँ कि अगर हमारे पास इतना डोनेशन आएगा कि हम इस कार्य की शुरुआत कर सकें, तो मैं आप सबके साथ एक मीटअप ज़रूर रखूँगा, और वो मीटअप यहीं पर होगा मोतीकुंड में। मोतीकुंड पर मैं आप सबके साथ एक मीटअप रखूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे ट्रस्ट में एज अ मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप लोग इसके बारे में जो भी क्यूरी है आप वहाँ पर आप पता कर सकते हो। आप एज अ मेंबर भी अगर बनना चाहते हैं तो आप मेंबर भी बन सकते हो, और हमारे साथ इस कार्य में और आगे के जो कार्य होंगे ब्रज के, उन कार्यों में अपनी भागीदारी दे सकते हो। मेंबर के लिए भी और सब चीज़ों के लिए हर चीज़ मैंने उस चीज़ को कवर करके चला हूं, ताकि आप लोग एज अ मेंबर भी अगर आप लोग साथ आना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप लोग साथ में हमारे चल सकते हो मोतीकुंड के कार्य के साथ साथ। और भी जो अन्य कार्य हैं ब्रज के होंगे, जैसे कि दो मिलवन है भगवान कृष्ण का, जहाँ पर मिलन स्थल हुआ था, और माट बिलो है, ऐसे कई स्थान और हैं जिनका जीर्णोद्धार ज़रूर होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। ट्रस्ट का नाम अगेन आपको बता दूं, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट है। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप जितना भी आप डोनेशन करना चाहते हो आप ज़रूर डोनेशन कीजिए, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर में, और अंदर आपको मैं दर्शन कराता हूँ, और देखते हैं आज भगवान कृष्ण का किस रूप में श्रृंगार हुआ है। तो चलते हैं अंदर।
अगर आपको ये सामने दिख रहा है ये पेपर, ये हमारी ट्रस्ट का लेटर हेड है जो कि सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को यहाँ पे, जिसे कहते हैं, भेंट किया है। आप सामने नाम पढ़ सकते हो, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जो शांति की अनुभूति होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे बराबर में ही यहाँ पे अखंड रामायण पाठ चल रहा है और इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही हो। यहाँ पे अखंड रामायण पाठ चल रहा है और ये जो रामायण पाठ है ये मुझे बताया महाराज जी ने कि कम से कम 17-18 साल हो गए इस पाठ को कंटिन्यू चल रहा है, दिन रात 24 घंटे चलता है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, एक कभी जैसे कि महाराज जी हैं अभी ये पाठ कर रहे हैं, 2-2 घंटे में ये चेंज होते हैं महाराज जी। तो जैसे कि अपने बहुत ही सुंदर रूप में सामने दर्शन करें भगवान कृष्ण के, मोती बिहारी के, और आनंदमय दर्शन होते हैं। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे बहुत ही शांति अनुभूति होती है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आपको अगर ठाकुर जी के बिल्कुल सामने जो नीचे वाइट वो पेपर दिख रहा है वो मैंने आपको उसमें भी दिखाया है, आपको वीडियो में भी, कि वो हमारी ट्रस्ट का लेटर हेड है। तो वो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के, जिसे कहते हैं, चरणों में भेंट किया है, उनको उनके चरणों में रखा है, शुरुआती में उनसे कर रहा हूँ हर कार्य की। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जितना डोनेशन हो सकता है उतना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। अब बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डोनेशन करते हो, कितनी सेवा देते हो ठाकुर जी के, भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के लिए। भगवान कृष्ण की जो सेवा है आप लोग ज़रूर दीजिए मोतीकुंड के कार्य के लिए, और अब बहुत जल्द शुरुआत होगी मोतीकुंड के कार्य की। तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया, भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य की मैं शुरुआत कर चुका हूँ, ट्रस्ट बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बस अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे, अब कितना सहयोग करते हो। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट, ट्रस्ट का नाम है, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। तो आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा कि किसी को ऐसा लगेगा कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, मेंबर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो मेंबर के लिए, आप लोग मेंबर बनना चाहते हो हमारे ट्रस्ट का, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है अभी इस टाइम पर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, और आप लोग जिसे कहते हैं मेंबर, ट्रस्ट का मेंबर बन सकते हो। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लोग पूछ सकते हो हमसे, और भगवान कृष्ण के कार्य के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा। और भगवान कृष्ण के कार्य की, जैसे मोतीकुंड है, ऐसे कई स्थान और हैं जो कि मेरी नॉलेज में है, उनका भी जीर्णोद्धार, उनकी भी जिसे कहते हैं शुरुआत, उनका भी रेनोवेशन हम करा सकें, यही मेरी कोशिश है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में। और आप लोगों से मैं दोबारा बता दूँ, आप लोग जो भी आप डोनेशन देना चाहते हो स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, ये ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है। आप लोग जितना भी डोनेशन देना चाहते हो ज़रूर दीजिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो को एक अंत में एक चीज़ मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोगों तक मैसेज जाए, दूसरे लोग भी सहयोग करें। और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को कि भगवान कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए, मैं आपको सबको ये बता दूँ, मोतीकुंड के कार्य किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। ये आप ज़रा ज़रा शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि वो भी आगे शेयर करें, इसको एक तरीके से एक चेन बनाइए, दूसरे लोगों तक जाएँ, फिर वो भी आगे शेयर करें, देन वो भी आगे शेयर करें। अगर आप लोग किसी भी रूप में कितना भी सहयोग करेंगे, चाहे वो 1 रुपया है चाहे वो 10 रुपये हैं, किसी भी रूप में आप सहयोग करेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए, भगवान कृष्ण के कार्य के लिए। और मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको अंदर भी दर्शन कराऊंगा, मंदिर में काफ़ी आनंदमय दर्शन हुए मुझे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जिसे कहते हैं आनंदमय दर्शन होते हैं ब्रज में। और ख़ास तौर पर मोतीकुंड का जो आनंद है वो आप कभी यहाँ पर आओगे, विज़िट करोगे ब्रज में, और जब आप मोतीकुंड में आओगे तब आपको फील होगा कि मोतीकुंड का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद आपको देता है। ये मैं स्पेशल, मैं मुझे फील होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने महाराज जी को भी बोला कल रात को। तो उस टाइम पर भी महाराज जी से मैंने ये कहा कि महाराज जी, मैंने कई जगहों पर स्थानों पर दर्शन करे लेकिन यहाँ का जो आनंद है बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर दर्शन करके। तो आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तब आपको उस चीज़ का पता चलेगा। तो आई होप कि आपको आनंद आया हो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, राधे राधे। और अंत में एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अब आप लोग
बिल्कुल भी इस चीज़ में संकोच मत कीजिएगा, डिले मत कीजिएगा, देर मत कीजिएगा। ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं नहीं चाहता कि इस कार्य में और देर हो, तो इसलिए अब जल्द से जल्द सहयोग कीजिएगा। राधे राधे।